SN लाइव सच सबसे आगे। जिनका अपना कोई जीवन नहीं था, हमेशा प्रिंसिपल के साथ जी, राजनीतिक रूप से भी विचारों के साथ खड़े रहे, सामाजिक रूप से भी कंप्लीट वो सिवान के शाहबाद के कंप्लीट रूप से इस इलाके में जो सामाजिक और राजनीतिक चेक एंड बैलेंस हुआ करता था, समाज को कंप्लीट एक न्याय एक जस्टिस उस व्यक्ति के रूप में उनकी पहचान। अलग बात है बहुत सारी घटनाएं, बहुत सारी राजनीतिक प्रतिक्रियाएं, वो चलता रहेगा, वो चलता रहता है। जो लोग जीते हैं दूसरों के लिए कई तरह की आलोचनाएं होती हैं, लेकिन मुझे, मैं व्यक्तिगत रूप से कह सकता हूं, एक साथ MLA बने, हमारा और उनका व्यक्तिगत रिश्ता आप सोच भी नहीं सकते हैं और समझ भी नहीं पाइएगा। मैंने व्यक्तिगत रूप से क्या खोया है उसका अंदाजा नहीं है, और मुझे लगता है कि सिवान के हर घर के लोगों ने अपने बेटे को खोया, एक सेवक को खोया, एक परिवार को खोया, एक रिश्ते को खोया, सपना ही सिवान का समाप्त हो गया, उम्मीदें आने वाले पीढ़ियों की समाप्त हो गई, विश्वास ही नहीं हुआ कि वो हम सबके बीच नहीं है, चले गए। मतलब मैं सिर्फ इतना कहूंगा, वक्त ने एक मजबूत आवाज और जिंदगी को आगोश में ले लिया। अल्लाह ताला को यह मंजूर था, उसके सामने किसी की नहीं चली, और वक्त हमेशा जिंदगी को अपने तरीके से चलाता है, लेकिन कहने के लिए मैं कह सकता हूं अल्लाह को मंजूर था, लेकिन फिर कोई साहबुद्दीन जन्म नहीं ले, उस जैसा कोई नहीं। संविधान में लापरवाही हुई, इसके बारे में क्या? मैं कई बार कह चुका हूं, एक ऐसा व्यक्ति जो शारीरिक मानसिक और आध्यात्मिक रूप से, वैचारिक रूप से, नैतिक रूप से बहुत मजबूत इंसान, योगा करने वाला एक व्यक्ति, संयमित जीवन जीने वाला एक व्यक्ति, और बहुत कम प्रतिक्रिया देने वाला एक व्यक्ति। अब ये मैं नहीं कह सकता हूं कि वक्त और बीमारी ने क्या किया, लेकिन मैं यह कह सकता हूं कि जो परिस्थिति को सिस्टम ने खड़ा करके एक आवाज को बंद कर दी, व्यवस्था परिस्थिति, जो व्यक्ति अपने नेता के लिए दिन रात एक करके मेहनत कर चलकर आए, पहले मेरी बात सुनिए, चलकर आए, ओसामा जी से बातचीत हुई, उनकी मिले, अच्छे हालात में मिले, संतुष्ट थे हमारे परिवार, और फिर एक प्राइवेट रूम से संक्रमित वार्ड में प्रवेश डाल देना एक एक्स MP को,
चार बार और दो बार विधायक रहने वाले व्यक्तित्व को मैं क्या मानूं। और मुझे लगता है कि 18 साल जो उनका जीवन था रहा ना, राजनीतिक परिस्थितियों ने हमेशा घेर के रखा। अब मैं उस पर नहीं अभी जाऊंगा, मैं सिर्फ इतना कहूंगा फिर दोबारा शहाबुद्दीन नहीं आ सकता। जब याद करता हूं सिर्फ इतना कह सकता हूं, पता नहीं क्यों चलेगा। मुस्कुराता हुआ वह चेहरा मेरे साथ बहुत सारे अंतरंग रिश्ते उसके बहुत हद तक कुछ चीजें उससे कहते थे, पप्पू जी व्यक्तिगत जीवन में तो मैं आपके साथ हूं, लेकिन मेरी थोड़ी मजबूरियां हैं। एक बार लालू जी संकट से उभर जाएं, फिर मैं सोच पाऊंगा बिहार के हित में और भविष्य के लिए। वह व्यक्ति जब तक संकट में है, मैं राजनीतिक रूप से वहां हूं, व्यक्तिगत रूप से मैं आपके साथ। ये लैंग्वेज था और थे। मेरा यह परिवार है, मैं इस परिवार का हिस्सा हूं और हमेशा राजनीतिक पारिवारिक सामाजिक रूप से शहाबुद्दीन साहब की मौत के न्याय के लिए अंतिम तक हम लोग आगे बढ़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं, जरूर अंतिम तक जाएंगे कि इसके पीछे राज क्या थी, किन किन लोगों का की भूमिका थी। वक्त से ज्यादा राजनीतिक परिस्थितियों ने शहाबुद्दीन साहब को हम सबके बीच से लेके चले। 1990 के बाद से लेके आज तक जिस व्यक्ति ने हर संकट और बुरे पर, वो मंत्री हो सकते थे, सत्ता का हिस्सा हो सकते थे, बन सकते थे, लेकिन कभी भी उनके भीतर ना तो कभी लोभ आया, ना राजनीतिक महत्वाकांक्षा जगी। हर लोगों के भीतर राजनीतिक महत्वाकांक्षा होती। मैं एक व्यक्ति को देखा कि अपनी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा उन्होंने नहीं पाई। चला पप्पू जी, जो हो इसे करल जाए, तो सही राह पर बारह। ये लैंग्वेज था कि आप पीछे मत मुड़िएगा। जिसने अपने जीवन को समाप्त कर दिया उसके साथ, और उनका यदि कोई ना हो तो शायद ना तो किसी के ना हो, ये आप समझ लीजिए। शहाबुद्दीन जी के यदि कोई ना हो सके तो फिर किसी का नहीं होगा। बस मैं इतना ही कहूँ। सर, जब भागलपुर से साहब आए थे तो उस समय सर बोले थे कि हमारे नेता लालू प्रसाद यादव, और जब उनका निधन हुआ उनके पुत्र सर दादर की ठोकर खाते रहे, वहाँ पे कोई भी व्यक्ति लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, कोई भी उनके परिवार का आदमी मुझे मिला तक नहीं। सर, इसे क्या माना जाए? मैं एक बात बोलूं, मैं इसमें एक बात समझिए, मैंने क्या कहा आपको, मैं यदि घटना गुराऊंगा ना, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे, मैं नीतीश जी के साथ, और इनका पाटलिपुत्रा में मेरे साथ लालू जी के साथ मुलाकात हो रहा था। यदि शहाबुद्दीन जी नहीं होते ना, मैं लोक लाज क्रॉस कर गया होता। आए शहाबुद्दीन जी, हाथ पकड़ लिए रात के 1 बजे, कहा हो पप्पू जी,
बस चुपचाप हम लौट गए। किस पल किस संकट में, यदि आज राजनीतिक शिकार हुए हैं ना, तो सिर्फ एक ही शरणम गच्छम, बुद्धम शरणम संगम शरणम, एक ही तुम्ही। कभी इन्होंने सरकार से, सत्ता से और लालू जी से कुछ नहीं लिया, लालू जी और दल ने सब कुछ लिया शहाबुद्दीन जी से, शहाबुद्दीन जी ने सत्ता से कुछ नहीं लिया, कुछ नहीं, और अंतिम अंतिम तक कुछ नहीं पाया उन्होंने। विधानसभा में जो विधायक के नहीं हो पाएंगे, मंदिर में जिस विधायकों की लोकतंत्र की हत्या कर दी गई, और राजनीतिक रूप से 90 की सत्ता की सियासत से लेके मृत्यु तक जो व्यक्ति अपने संपूर्ण राजनीतिक जीवन को एक व्यक्ति और दल के प्रति समर्पित कर दिया हो, और फिर वो फैमिली, उनकी परछाई कभी भी एक आवाज बनकर उनकी खड़ी रही उनके पीछे में भी किसी भी चुनाव में, यह फैमिली कभी डिच नहीं किया। लेकिन यह दल, जो सम्मान इस परिवार को मिलना चाहिए, आज तक नहीं मिला। यदि कोई राजद में हकदार है सम्मान का ना, तो सबसे पहले शहाबुद्दीन जी और शहाबुद्दीन जी का परिवार। लालू यादव जी के बाद यदि कोई अधिकारी है तो शहाबुद्दीन जी और शहाबुद्दीन जी का परिवार है, यदि आप जानना चाहते हैं तो। जो इन्होंने खोया ना, जो इन्होंने दिया, जिस व्यक्ति के चलते एक बड़ा सा कैनवास बना जिस दल का, वह दल और वह परिवार इस तरह से दूर होगा या कभी कल्पना नहीं की जा सकती। लालू यादव जी के बाद यदि पहली सिंगल कतार होती तो शहाबुद्दीन जी होते, परिवार नहीं। और मैं एक बात बहुत विनम्रता के साथ कहूंगा, एक व्यक्ति जिनको लालू यादव ने विरासत दिया है, उनकी भूमिका शहाबुद्दीन जी के व्यक्तिगत जीवन और राजनीतिक जीवन में संदिग्ध रहा है। बहुत क्लियर मैं आपको बताऊं, उनके तरीके, उनका आचरण, उनका चरित्र, उनका कैरेक्टर, उनके राजनीतिक परिपक्वता और परिपक्वता बिल्कुल, और वर्तमान के नएपन की राजनीति। लालू यादव जी के बारे में मैं इतना कह सकता हूं कि आज जिस परिस्थिति में है, भले वोट के वो ना आ पाए हों, लेकिन लालू यादव जी को आहत तो हुए होंगे, कष्ट तो हुआ होगा। उस वक्त जन्म नहीं हुआ था लालू यादव के बेटे का, जब परछाई थे शहाबुद्दीन जी, उसके 91 में जन्म हुआ। और जब लालू जी संकट में आए थे तो गोदी में खेल रहे होंगे, और उस वक्त पल पल किसी ने जीवन दी। और आज यदि मैं एक बात अंतिम कहूंगा, यदि शहाबुद्दीन जी आलोचना के पात्र बने तो उसका कारण राजद और लालू यादव जी की सत्ता और सरकार। व्यक्तिगत जीवन में आलोचना के पात्र कम, और लालू यादव जी के साथ कंप्लीट रूप से उनका राजनीतिक और व्यक्तिगत लगाव आलोचना के सबसे ज्यादा पात्र बने। यदि यह व्यक्ति दल छोड़ के जदयू में चले गए होते जो नीतीश जी चाहते थे, तो फिर ये दूध के धुले हो जाते और आलोचना का पात्र नहीं बनते। मुझे याद है भाजपा का वो दिन, वो क्या चाहता था कि शहाबुद्दीन जी लालू यादव को छोड़ दे, और आज यदि वो आलोचना करते हैं सिर्फ इस कारण से, तो उनकी राजनीतिक आलोचना होगी। व्यक्तिगत तौर पर सिवान का हर घर, हर वर्ग, हर जाति के लोगों को एहसास और महसूस है कि हर संकट में शहाबुद्दीन उनके परिवार और उनके परछाई की तरह खड़ा रहा, इसलिए उन पर कोई उंगली नहीं उठ सकती। और दिल्ली में रह करके सारा परिवार ऐसे समय में, इंटायर फैमिली, एक राजद परिवार ही नहीं,
लालू जी ने अपने व्यक्तिगत जीवन के सबसे बड़े रिश्ते को खोया और उसके बाद हम देखते रह गए, उम्मीद करते रह गए, दूर तक कुछ नहीं, मेरा इतना ही है, इससे ज्यादा नहीं कह सकते। आज सर तकरीबन 3 दिन हो गए उनके परिवार के लोगों को यहाँ आए हुए, लेकिन आप पहुंच गए और जिसको आना चाहिए वो अभी तक नहीं आया। सर वो उनसे पूछिए, इनके लिए पूरा सिवान है, इनके लिए पूरा बिहार है, पूरे भारत में जो लोग शहाबुद्दीन जी को जानते हैं उनको दुख है। किसी के पहुंचने ना पहुंचने से शहाबुद्दीन जी के राजनीतिक और वैचारिक अस्तित्व पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मैं उम्मीद करता हूं आने वाले समय में एक बड़ी लकीर शहाबुद्दीन जी की विरासत और उनके राजनीतिक और सामाजिक वैचारिक अस्तित्व को निश्चित रूप से ओसामा जी बहुत मजबूती के साथ लेके आगे बढ़े। और जिनका अपना कोई जीवन नहीं था, हमेशा देश और दुनिया की ऐसी ही खबरों को पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। और हाँ, अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।